मॉर्निंग गाइस, तो आज हम लोग जाएंगे घर को फाइनल करने, मतलब पेपर्स वगैरह सब साइन करने। तो ये हमारा किचन है जहाँ पे अभी हम लोगों ने बहुत सारा खाना बनाया है, क्योंकि समित ने सब बनाया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मॉर्निंग में हम लोग क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आज। हर दिन डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट होता है, किसी दिन इंडियन, किसी दिन इंडियन और वेस्टर्न कन्फ्यूजन, किसी दिन प्रॉपर ब्रिटिश ब्रेकफास्ट। तो अभी घर जाने के बाद प्रॉपरली हर दिन ब्लॉग करके देखा पाऊंगी, पर आज दिखा देती हूँ आज का क्या मेन्यू है। अमित ने बनाया है ये ब्रेड है, सॉसेजेस, एग्स, ये है एवोकाडो स्मैश और कुछ एवोकाडो अमाया के लिए, ये है ओट्स एंड फ्रूट सैलड। एंड बाहर का व्यू देख लीजिए, बाहर काफी अच्छी धूप है। ये संबित है अपने लैपटॉप के साथ। आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये है माया, हाय। ठंड में डांस करने का जो मजा है ना, वो और कहाँ पे है। मैंने तो शूज भी नहीं पहने हुए हैं और मेरे पैर ना से सुन होने के कगार में हैं, तो होने से पहले थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। इतनी अच्छी हवा, फिर धूप, लंदन में ऐसा अच्छा मौसम तो बहुत कम मिलता है और एक घंटे के अंदर ये मौसम भी खत्म हो जाएगा। आ जा, ये दोनों पागल हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर के पेपर्स वगैरह साइन। इंडिया से जो है धूप काफी अच्छी आई हुई है, तो बेहतर है दिन। बहुत अच्छा, शुक्र है बारिश है अभी। हाँ, बारिश ने ना हंगामा मचा देना था पूरा। और 2 बज गए हैं, अभी भी धूप है, तो काफी सही दिन है। लेकिन मंडे ट्यूसडे कह रहा स्नो आ रही है दोबारा, फिर से आएगी क्या? लेकिन ज्यादा स्नो नहीं होगी। हाँ, क्योंकि बारिश बता रहा है। हाँ, क्योंकि वो जनवरी में इतना ज्यादा स्नो होता नहीं है जनरली, तो मार्च में भी स्नो देखा। हाँ, मार्च में भी होता है, मतलब वो रुकता नहीं है। हाँ, ये गुड न्यूज़ है। नहीं, इस बार जो दिसंबर के बीच में हुआ ना, वो वाला स्नो नहीं होता है लंदन में जनरली। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। वो तो पता नहीं कहाँ से एकदम से आ गई। हाँ। सारी चीजें बहुत बढ़ गई है उन साइड पे। कीजिए हम लोग कहाँ पे हैं? जो जल, एक जे एक जे और जल है बोतल। गाइस, घर वापस आ चुके हैं। संबित ने ये कुछ फ्रोजन, मतलब इजी टू कुक टोर्टिला पास्ता मंगवाए थे, मतलब लाया था सुबह। अमाया के साथ वो सुबह गया था टेस्को, तो वहाँ से वो लेके आया था, तो वो अभी बनाया है। वो थोड़ा सा हम लोग चिली, स्वीट चिली सॉस के साथ खा रहे हैं। तो अब सोच रहे हैं कि ये रख देंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट बना लेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी में बनाना होगा। यहाँ पे माइक्रो मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, तो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं हम लोग वो ग्रेवी। घर तो आप लोगों को दिखाया, अगर आप लोगों को पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी जाने के टाइम एक इंसिडेंट हुआ, हम जो कैब में गए थे वो एक जिनका कैब था वो पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान से थे वो 89 को यहाँ पे आए हैं, एंड हर साल वो जाते हैं पाकिस्तान, बट उनको कोई आइडिया नहीं है कि इंडिया कितना डेवलप हो चुका है और इंडिया में क्या हो रहा है। वो अभी भी इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं, और उनको लगता है कि अभी भी इंडिया वो पुराना वाला इंडिया होगा, मतलब जो पार्टीशन के टाइम पे था,
मतलब वो वाला इंडिया होगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतने सारे मतलब नियर अबाउट हम लोगों ने 17-18 कंट्रीज देखा है. हर कंट्री में प्रॉब्लम है भाई, बट हमारे कंट्री में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, लाइक इंडिया में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से इंडिया जितना अच्छा तरक्की कर रहा है, जैसे उसका इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर जैसे वहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली भी इंडिया इतना ज़्यादा अच्छा है. जैसे अगर लंदन पे अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है यहाँ पे 21:51, मतलब 9:51, तो 9:51 पर अगर हम कुछ ऑर्डर करना चाहें, मोस्ट ऑफ द शॉप्स यहाँ पे बंद होंगे, है ना. एक शायद सेंसबेरी खुला होगा, टेस्को खुला होगा. जो इंडिया में अगर आप 10 बजे 11 बजे सिटीज़ में, ये लंदन तो एक सिटी है ना और हम लोग प्रॉपर लंदन में है, तो यहाँ पे भी अगर हम कुछ ऑर्डर करना चाहें तो ये बंद होंगे. पर इंडिया में अगर आप 10 बजे 11 बजे भी ऑर्डर करना चाहो, यू कैन गेट, है ना. आइसक्रीम खाने का मन करे डिलीवर करके घर में आके, मुझे तो लगता है कुछ दिनों हर एक चीज़ ऑनलाइन इंडिया में अभी मिलती है, इतनी अच्छी तरह से मिलती है. और जो डिलीवरी प्राइसेस भी है वो कितने नॉमिनल है. यहाँ पे डिलीवरी प्राइसेस स्टार्ट ही होता है 2 pounds, 3 pounds, 4 pounds, 10 pounds, 20 pounds तक भी जाता है. तो मतलब सोच लीजिए इंडियन करेंसी में वो 200 से स्टार्ट ही होता है और 2000 तक जाता है. तो मतलब इस कंट्री को डेवलप होने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों में, है ना. तो उसके कंपैरिजन में इंडिया कितना डेवलप हो चुका है. कुछ दिनों बाद इंडिया में ऐसा भी होगा कि आपका खाना हम खिला के देंगे, ऐसा ऐप भी निकल आएगा. तो मुझे लगता है कि मतलब जो न्यूज़ चैनल्स है, क्योंकि पाकिस्तान नेशनलिस्ट जो है बहुत इजीली उनको नहीं मिलता है वीज़ा हमारे इंडिया में आने का, तो उनकी जो राय है हमारे देश के बारे में काफ़ी मतलब उनकी कंट्री में जो न्यूज चैनल्स है वो लोग ये दिखाते ही नहीं कि इंडिया कहाँ पहुंच गया है, हम लोग कहाँ पे रहते हैं. ये बोल रहा था कि ये नेक्स्ट 20-25 साल में चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, ये आप देखिए. और मैं ये बोल मतलब मेरे मुंह से ना निकलते निकलते नहीं निकला कि नेक्स्ट 5-10 साल में देखना इंडिया कहाँ पहुंचता है, क्योंकि हमारे एशियन कंट्रीज में चाइना भी अभी नीचे जा रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दूसरे कंट्रीज को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जेन्युइन फैक्ट बोल रही हूँ कि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज इन एशिया जो कि प्रॉपर स्टेबल पोजिशन में तो है ही, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसका ऊपर जा रहा है. तो ऐसे कंट्री के बारे में अगर कोई ऐसा बोलेगा तो मतलब उसको नॉलेज ही नहीं है ना, क्योंकि उसके कंट्री में जो न्यूज़ चैनल्स है वो प्रॉपरली दिखा ही नहीं रहा है कि हमारी कंट्री कहाँ पहुँच गई है. एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है जब मतलब देश का मीडिया कुछ भी आपको दिखाए, हम लोग उस डायरेक्शन में सोचने लगते हैं. तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी मीडिया तो ये कभी नहीं दिखाना चाहेगी कि उनके देश में सब कुछ ख़राब चल रहा है और इंडिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फॉर ऑब्वियस रीजंस. तो उनको भी कम्प्लीटली उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि आप वही जानोगे, वही मतलब बोलोगे जो आप देखोगे, राइट. पॉलिटिशियन खुद के गेन के लिए ऑब्वियसली इंडिया को खराब दिखाना चाहेंगे और पाकिस्तान में अच्छा हो रहा है ऐसा दिखाना चाहेंगे. तो या कांट ब्लेम देम एज वेल, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया कहाँ जा रहा है ये किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दिख रहा है, राइट. एवरीवन नोज इंडिया का कहाँ पे है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का क्या प्रेजेंस है. That's true. और इंडियंस जहाँ भी जाते हैं, मुझे लगता है कोई भी NRI आप देखोगे उनकी रेस्पेक्ट अलग ही होती है. ऐसे मतलब जितने भी आप देख लोगे इंडियंस क्राइम में इन्वॉल्व होना मतलब रेयर ही आपको मिलेगा बाहर जाके स्पेशली, क्योंकि हम लोग इंडियंस ऐसे होते हैं कि बदलने की कोशिश नहीं करते, वहाँ पे जाके बोलते हैं कि हम लोग मोल्ड हो जाते हैं. हाँ. बट बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे लोग नहीं हो पाते हैं. पर इंडियंस को लोग रेस्पेक्ट करते ही हैं, क्योंकि मोस्टली एजुकेटेड रहते हैं जो बाहर आते हैं. और सेकेंडली ये रहता है कि हम लोग हमारे दायरे में रह के काम करते हैं और क्राइम्स नहीं करते उतना. कुछ एथनिकली कुछ इम्पोज नहीं करना चाहते हैं. हम लोग हमेशा कुछ
लाते ही हैं, मतलब कुछ चेंज नहीं करते, कुछ एक्स्ट्रा लाते हैं हमेशा। आप देखिए जैसे कि इंडियन इंडिया से खाना हो गया, या फिर सुपरमार्केट्स में सिर्फ इंडियन खाने का रेडी टू ईट मील्स भरे पड़े हैं यार। हाँ, और जैसे इंडियन फेस्टिवल्स हो गए, मतलब हर जगह खुशी खुशी से लोग मनाते हैं, तो यही है। मुझे लगता है हर हर रिलीजन का, हर कंट्री का वो होता है कि एक स्पेशलिटी होती है। हाँ, लेकिन इंडियंस, हाँ, बट वही मुझे बुरा लगा कि वो कितने ज्यादा मतलब नेगेटिव सोचते हैं इंडिया के बारे में, जबकि उनके कंट्री के बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। उनका कंट्री इतना कुछ फेस कर रहा है, हमने कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, और वो कंपेयर करे जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया को, पाकिस्तान और इंडिया को, जबकि कंपैरिजन तो है ही नहीं अभी। और इसमें पाकिस्तान के लोगों की गलती तो है नहीं, बट बेचारों ने जिनको भी चूज़ किया उन लोगों ने उनको फेल करवाया, तो ये तो एक अलग बात है। तो लेट्स नॉट गो इन टू पॉलिटिक्स एंड मेक इट लाइक सिंपल, बट वही था हमारा पॉइंट। इतना लंबा बोल दिया हम लोगों ने, तो वही था हमारा पॉइंट कि नहीं, इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है और हम खुश हैं, और बस यही है। बाहर आने का वजह ये नहीं है कि इंडिया में हम खुश नहीं थे, बाहर आने की वजह ये थी कि इंडिया में हम बहुत खुश थे और ज़्यादा बाहर आके घूम के और खुश होना चाहते थे। मतलब वो बोलते हैं ना आदमी के थोड़ा घूम लेते हैं, तो ऐसा ही है और कुछ नहीं, बस अपॉर्चुनिटी थी तो इसलिए आ गए, और कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा, फीडबैक ज़रूर नीचे देना, क्रिटिसाइज़ करना है वो भी प्यार से करना, क्योंकि मैंने भी और संबित ने भी बहुत प्यार से ही अपने पॉइंट को पुट फॉरवर्ड किया है। तो हाँ, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस्ड।